नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं केशव। बिहार के राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल लगातार उठ खड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार और प्रधानमंत्री का पद का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर लगातार चर्चा बनी हुई थी। आज इस पर नीतीश कुमार ने शीतकालीन सत्र के दौरान विधानमंडल की जो बैठक चल रही थी उस दौरान उन्होंने काफ़ी चीज़ें साफ कर दी। उन्होंने कहा कि वो यानी नीतीश कुमार न तो प्रधानमंत्री बनने के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और ना ही वो अगले 2025 का जो विधानसभा चुनाव बिहार में होना है उसमें वो मुख्यमंत्री पद के ही दावेदार होंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिन्हें जितना उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं, अब तेजस्वी इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे, विकास की जो विरासत है उसे आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर एक पोस्टर नज़र आ रहा है, मैं इस वक्त आरजेडी दफ्तर के बाहर ही हूँ मौजूद, और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर में उन्होंने यहाँ पर साफ दिखाया हुआ है कि एक लक्ष्य एक विचार राष्ट्र का गौरव बने बिहार। तो इस पोस्टर के ज़रिए मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आरजेडी के जो मंसूबे हैं, जो आरजेडी का एजेंडा है या आरजेडी की जो बातें हैं उसी को अब आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। जब से बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार आरजेडी से उन्होंने हाथ मिलाया और सरकार बनाई है उसके बाद से जो है चीज़ें काफ़ी कुछ बदली हुई हैं। हम लगातार इस बात को बिहार में देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अब आरजेडी का एक लाइन लेंथ है उसी पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अपनी विरासत नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सौंपते हैं, कब सौंपते हैं, कैसे सौंपते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात तो उन्होंने साफ कर दी है कि नीतीश कुमार न तो अपने आप को, उन्होंने जैसा कि बयान दिया, जैसा कि विधानमंडल दल की बैठक जो हुई जिसमें 7 दल उनके साथ मौजूद थे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो न तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और ना ही अब मुख्यमंत्री पद का अगले विधानसभा चुनाव में वो चेहरा बनना चाहते हैं। उन्होंने तेजस्वी को आगे बढ़ाते हुए, और इससे पहले हमने तस्वीरें भी देखी थी, हमने लगातार उन्हें तेजस्वी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कवर किया और उसमें उन्होंने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखते हुए उनकी तरफ इशारा करते हुए साफ तौर पर कहा कि वो तेजस्वी यादव को अब आगे बढ़ाना चाहते हैं, भविष्य उनका है, क्योंकि तेजस्वी यादव युवा हैं और युवा नज़रिए, युवा विरासत को, युवा के हाथों जो है अपनी विरासत को अब सौंपते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लगातार बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।